तो फाइनली आज हम करने लगे हैं, जो हमारी मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है ना, उसके अंडों की मैंने सोचा कैंडलिंग कर लें, क्योंकि आज 18 डेट थी, कल 19 हो जाएगी। ठीक है, तो आज 8 दिन तकरीबन उसको हो गए हैं बैठे हुए, 7-8 दिन। ठीक है, 11 कोंडे रखे थे, तो मैं कह रहा हूँ अंडों की कैंडलिंग करके देख लेते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, अगर बन रहा है तो कैरी ऑन करें, अगर नहीं बन रहा तो उसकी जान छुड़ाएं अंडों से। ठीक, हेलो मैडम। अच्छा, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आ जाओ दाना पानी खा पी लो। ये जी माशाल्लाह, इसने तो खाना शुरू कर दिया। ये लो आप खाओ दाना, और इधर करीब ही पानी है, दाना बल्कि और करीब कर देते हैं, इधर आ जाओ ताकि आपको पानी भी नजर आए। मोबाइल की लाइट ऑन करके इधर रखते हैं, और 10 के 10 अंडे हम अब इसकी कैंडलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला अंडा उठाया, अनफॉर्चुनेटली अंडा मुझे खाली लग रहा है। चलो जी, पहला पहला अंडा ही खाली, इसको इधर रख देते हैं। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never ever. हैंडलिंग हो गई, ये 4 अंडे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मुझे लग रहा है। इसके जो अपने अंडे हैं ना, वो अनफर्टाइल, जो मुझे टेंशन थी जिस बात की, और इसके अंदर भी 6 अंडे हैं, और एक अंडा और मुझे डाउट है कि खराब है, और बाकी अंडे भी बस नॉर्मल ही लग रहे हैं। वो कर देंगे ये, हम अपने असीलों को खिला देंगे अंडे 4। ठीक है, और ये वाले अभी पड़े रहे मुर्गी के नीचे, 6-7 दिन के बाद दोबारा कैंडलिंग करेंगे, फिर मजीद क्लियर पता चल जाएगा। तो 4 अंडे मैंने इसके अंदर रख दिए। ठीक है, ये उठा लूंगा, वरना मेरे सुबह आने से पहले कौवा खा जाएगा। मुर्गी को जाके चेक करते हैं मुर्गी क्या कर रही है। हल्की फुल्की हो गई होगी अब, क्योंकि सुबह से कल उठी थी लास्ट टाइम, तो अभी बस इसको मैं बंद कर देता हूँ। ले जी, मुर्गी जो है वो अपना दाना पानी हर चीज छोड़ के, ये देखें इस तरह मुंह रगड़ने का मतलब होता है बस मैं अब फ्री हो गई हूँ, मेरा खाना पीना हो गया। चलो अंडे पे, अंडों पे चलें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो, शाबाश। ओ तेरे, खा पी के फ्रेश हो गई है मुर्गी दोस्तों, और अंडे भी अब कम हो गए हैं थोड़ी सी जो है ना। ये देखो, संभालने भी आसान। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक, आई होप के 6 अंडों में से बच्चे निकल जाएं। याद आ गया इन अंडों को उठाना, तो इन अंडों को उठा लें, इनको रखते हैं अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं सुबह, अल्लाह हाफिज। जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने फीड एक ही दफा अच्छी खासी भर ली है, अब ये बड़े शौक से खाएंगे। ये हमारे खराब अंडे जो हमने रात को उठाए हैं हमारी मुर्गी के नीचे से, अच्छे तरीके से ये देखें, इनको वेस्ट करने से बेहतर है कि मुर्गियों को डाल दें, बल्कि थोड़ी सी ये फीड इसके अंदर भी शामिल करते हैं। ये हमारे डोरीमोन और दूसरी मुर्गियों के लिए थी, वो भी ये वाला खा लेंगे अच्छे तरीके से। लो जी, ये भी सारी गीली हो गई है फीड, अब बस आप इनकी लपक देखिएगा दोस्तों। हमारी ये फीमेल वहां से जाली से बाहर आ गई है, तो
ये देखें, ये रात वाली फीड भी अभी पड़ी हुई है यहाँ पे। जाली तो बिल्कुल ही तोड़ दी है। आज सुबह दोबारा आए हुए थे दोस्तों भाई हमारे नीचे वाले केजीज का साइज लेने के लिए। ये देखें दोस्तों कैसे जो अंडे वाला दाना है हमारा, किसने शौक से इन्होंने खाना शुरू कर दिया और ये अभी खत्म हो जाएगा। और इस वाले दाने को हम लेके अंदर जाते हैं, अंदर हमारे सिल्की हैंस हैं, उनको डालते हैं। डोरीमोन की हालत कुछ बेहतर है पहले से, इनको डालते हैं। ये देखें हमारी देसी मुर्गियां आ रही हैं पीछे, तो बिस्किट को इस कटोरे में डालते हैं। ये लो ये लो ये लो, ये खाओ ये खाओ ये खाओ। और हमारी एक देसी मुर्गी इसके अंदर बंद है, इनकी प्लेट के अंदर डालते हैं ये वाला, और इनका पानी वाला बर्तन निकालते हैं। चलो जी खाना शुरू कर दो। वो देखो दाना, वो भाई खा लो खा लो। इसको बंद करें। और अब आ गया हमारा डोरीमोन, डोरीमोन के डब्बी के अंदर डाल देते हैं। ओए नीचे गिर रहा है। इनका कल वाला दाना बचा हुआ था वो ही इन्होंने खाना शुरू कर दिया, तो इनको और दाना डालते हैं यहाँ पे। ये पानी नीचे से भर के लाना पड़ा दोस्तों, पानी खत्म हो गया था ऊपर। ये वह पानी मैं इधर यूज करूंगा क्योंकि उसके अंदर पानी है, ये वाले बर्ड्स तो वहां से जाके भी पी लेंगे पानी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पानी है इधर यूज करें, इतने में टंकी भर भी जाएगी। तो इधर भी पानी है वैसे, इनका गुजारा हो जाएगा। इन्होंने ये वाला बाजरा भी खत्म कर दिया, वो इतनी भूख लगी हुई है तुम्हें आज, तो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है अभी, तो देखते हैं। चलें ये चूजों को डालें पहले। देखिए चूजे हमारे दोस्तों, आज सुबह ये फिर भाई नाप लेकर गया। आज सैटरडे है ना, इंशाल्लाह कल संडे है। उतरी ये देखें इसका डोर का क्या हालत हो चुकी है, तो इंशाल्लाह कल ये जो है ना ये डोर लग जाएगा। मैं इनको दाना डालता हूँ और पानी चेंज करता हूँ। ये देखें चुचू मुचू सारे बाहर आ गए हैं, भूख इन्हें लगी हुई है। और हमारी मुर्गी ये देखें इसने कुरीज करना स्टार्ट कर दिया, अपने पर झाड़ के दोबारा हिलाना शुरू कर दिया। इससे पहले ये प्लेट के ऊपर छलांग मारे, मुझे दाना अंदर डाल देता हूँ। जी दोस्तों ये रहा हमारा शेरदिल, और शेरदिल माशाल्लाह अपने पैरों पे अब खड़ा है, पानी इसका बदल दिया है और दाना ये खा रहा है, थोड़ा थोड़ा मुंह डाल रहा है दाने के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी सेट है काफी। तो इसको जो है ना ये मुर्गियां इधर आ गई हैं, ये देखिए इनका पानी के अंदर से जो जो चीजें निकलती हैं। और इस मैडम के काम चेक करें दोस्तों, अभी रात को इसको उठाया फिर उठ के ये खड़ी हो गई है। रात को अंडों की इसकी कैंडलिंग की थी तो इसने शोर देख के ना ये फिर उठ गई है। तो चलें इसको खोल देते हैं। आ जाओ मैडम। और ये रही, खा लो बस। अभी रात को आपको 10-11 बजे खिलाया है और फिर उठ के खड़ी हो गई है। तो ये शेरदिल के ये लगाएं, और इसको पानी के लिए अब कुछ रखना पड़ेगा। यही वाली प्याली रख देते हैं, हमारी टंकी भी फुल हो गई है। ये लो तंग ना करो इसे। चलो जल्दी इसको बस 5 से 10 मिनट ही छोड़ेंगे दोस्तों, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बस यहीं पे करता हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल करें सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।